सो गाइस मित्सुबिशी ऐसे ब्रांड सुन के आपको क्या याद आता है? लैंसर, राइट? सो उसी कंपनी की गाड़ी है जिसका वीडियो आज आप देखने जा रहे हैं, जो मित्सुबिशी आउटलैंडर है। ये वाली गाड़ी जो है मित्सुबिशी आउटलैंडर, आई थिंक इट्स अ 2010 मॉडल। और आप सबको पता है कि जब मित्सुबिशी इंडिया में आई थी तो उसका एक क्रेज़ था, यंगस्टर्स में एक क्रेज़ था स्पेसिफिकली फॉर देयर कार लैंसर, और वो भी उसमें इतने अच्छे कलर आते थे, स्पेशली दैट येलो कलर। सो ऑल द कार्स विच मित्सुबिशी मेड वर रियली वेल, बट कहीं ना कहीं हमको और आप सबको ये लगता रहेगा कि यार इतनी अच्छी गाड़ी बनाते थे बट ये गाड़ी इंडिया में चली क्यों नहीं। सो बेसिकली जैपनीज पीपल बिलीव इन मेकिंग लेस प्रोडक्ट्स बट ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। तो अगर आप देखेंगे टोयोटा भी आज वैसा ही है, उसके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है बट जो है वो सुपर हिट है। बट ये कंसेप्ट मित्सुबिशी ने बहुत साल पहले ट्राई किया, जहाँ पे उन्होंने इतने मॉडल्स नहीं बनाए बट जो भी मॉडल बनाया वो एकदम अच्छा था। बट जैसे जैसे इंडिया में कोरियन ब्रांड्स आते गए, सो दे स्टार्टेड लॉन्चिंग मोर एंड मोर मॉडल्स। तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं मित्सुबिशी के प्रोडक्ट्स थोड़े आउटडेटेड लगने लगे, लोगों को भी लगा कि यार इतनी वैरायटी नहीं मिल रही है तो क्या ये हमको ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए, इतने फीचर्स नहीं है जितने कोरियन प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। तो उस रीज़न से कहीं ना कहीं मित्सुबिशी ब्रांड्स पे से लोगों का ध्यान हटने लगा। एंड देयर वाज वन प्रॉब्लम दैट मित्सुबिशी वाज नॉट लॉन्चिंग कार्स इन डीजल। सो उनकी जितनी भी गाड़ियाँ थी सब पेट्रोल में थी, पेट्रोल कार का माइलेज प्रॉब्लम था। इंडिया में सबसे पहले आपने बहुत सारी एड्स भी देखी है, कितना देती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो माइलेज कितना था वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट था। तो इसी रीज़न से जैपनीज़ गाड़ियाँ मित्सुबिशी होंडा ये सब गाड़ी धीरे धीरे फेड आउट होते रही, क्योंकि उन वो सब पेट्रोल मॉडल में थे तो उनका माइलेज मिलता नहीं था। तो आई थिंक अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 4 आउटलैंडर एक साथ आ गई है। तो आउटलैंडर के पहले भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए बट एक साथ अभी सडनली एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, 4 आउटलैंडर है। सो यू विल सी बैक टू बैक आउटलैंडर प्रोजेक्ट्स एट ऑटोराउंडर्स। ये जो है अभी इसको हम मॉडिफिकेशन नहीं कर, रिस्टोरेशन है, बट इसमें फ्रंट के पार्ट्स काफ़ी डैमेज है, तो बम्पर, ग्रिल ये सारी चीज़ें हमको चेंज करनी पड़ेगी। और हेडलाइट में भी आप देखेंगे तो यहाँ से पूरी घिस गई है, तो हेडलाइट को भी या तो रिपेयर पॉसिबल है तो रिपेयर करेंगे या तो रिप्लेस करेंगे। बट द कलर व्हाट वी आर डूइंग इज गोना बी वॉल्वो पर्ल वाइट, थोड़ा प्रीमियम शेड है। और पर्ल आप जब भी करते हैं तो उसमें एक लेयर ऑफ पेंट एक्स्ट्रा आ जाता है, दैट इज़ द पर्ल कोट। तो थोड़ा महंगा भी होता है बट इट लुक्स वेरी प्रीमियम। और पूरी गाड़ी को पेंट भी जो करेंगे पेंट वुड मशीन में ही करेंगे, जितने ही पेंट मटेरियल है एज यूजुअल इम्पोर्टेड फ्रॉम जर्मनी एंड फ्रांस, तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड फिनिशिंग देयर शुड नॉट बी एनी इशू। इसका मेन चीज़ जो है इसका इंटीरियर है, वो भी हम कंप्लीट कस्टमाइज करेंगे एंड वील बी डूइंग इट इन जेन्युइन लेदर। लेट मी शो यू कि अभी इंटीरियर कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड इंटीरियर है, इसमें जब से आई थिंक गाड़ी ली है कुछ चेंजेस नहीं किए एक्सेप्ट फॉर कि ये जो स्टेयरिंग है उसके ऊपर लेदर चढ़ाया हुआ है, बट आप देख सकते हैं कि लेदर यहाँ से कैसे बाहर आ जाता है, तो ये प्रॉपर फिटिंग नहीं है। और सीट कवर को प्रोटेक्ट करने के लिए टॉवल चढ़ाए हुए हैं। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि भाई अगर आप जेन्युइन लेदर के सीट कवर कराते हैं तो उसके ऊपर फिर टॉवल करा के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो लेदर का यूज़ होना चाहिए वो तो हुआ ही नहीं। तो बेटर है कि आप उसको मेंटेन करिए, 5-6 साल के बाद आपको लगता है तो चेंज करिए, बट उसके ऊपर आई डोंट रिकमेंड कि यू शुड पुट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज देन देर इज़ नो यूज़ ऑफ हैविंग अ जेन्युइन लेदर सीट कवर। तो हम लोग अभी इसमें जो ब्लैक पोर्शन है उसको एज इट इज़ रखेंगे, बट बेज जो है उसको पूरा चेंज करके कैफ़े में करेंगे, सीट कवर जो है उसको भी हम कैफ़े में लेने वाले हैं। तो अंदर से गाड़ी थोड़ी स्पोर्टी हो जाएगी, बाहर से वाइट हो जाएगी, तो गाड़ी का पूरा लुक चेंज हो जाएगा। एंड बिलीव मी गाइस, दिस मित्सुबिशी की ये जो गाड़ी है ना, वन ऑफ द बेस्ट कार, एकदम स्मूथ है, इसका ट्रांसमिशन भी बहुत अच्छा है। बट आई डोंट नो व्हाई मित्सुबिशी डिडंट लॉन्च लॉट ऑफ मॉडल्स, तो मतलब इतना नहीं चल पाया इंडिया में, बट उनकी गाड़ियाँ जो भी है ना बहुत अच्छी है, चलाने में बहुत मज़ा आता है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई गाड़ी है एंड आई एम श्योर यू विल लव टू हैव इट एंड यूज़ इट फॉर फ्यू मोर ईयर्स, तो अगर आपको रिस्टोर कराना है तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर। मित्सुबिशी के पार्ट्स भी मिल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका पूरा काम अभी होगा हमारे मुंबई के वर्कशॉप में, स्टे ट्यून, विल ट्राई टू शो यू द डिटेल प्रोसेस ऑल्सो, और वंस द कार इज़ रेडी विल शो यू की हाउ इट्स लुकिंग। थैंक यू सो मच।
कार इज अमेजिंग, जैसे ये आउटलैंडर है बहुत अच्छी गाड़ी है। इनफैक्ट जिनके पास ये गाड़ी है उनको इसकी वैल्यू पता है, इसी रीजन से वो बेचना नहीं चाहते बट वैसे रखना भी नहीं चाहते, तो वो गाड़ी को रिस्टोर कराना चाहते हैं बट रिस्टोरेशन के लिए जाए कहाँ, पार्ट्स मिलने चाहिए, अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए। तो अगर आपका भी यही क्वेश्चन है तो आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर एट द एंड ऑफ। सो मित्सुबिशी की गाड़ियाँ जितनी भी उन्होंने लॉन्च की दे वे ऑल वेरी रिलायबल, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म है, आज तक वो गाड़ियाँ चल रही है। जैसे ये 2010 का मॉडल है, इट्स रनिंग परफेक्टली वेल एंड मैकेनिकली ऑल्सो इट्स वेरी नाइस, बॉडी वाइज ऑल्सो इट्स वेरी नाइस, कोई वाइब्रेशन ये वो कोई चक्कर नहीं आता है इसमें। सो इफ़ यू आस्क मी बिटवीन मित्सुबिशी एंड टोयोटा, आई फील दैट कि मित्सुबिशी मेक्स बेटर कार्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। और टोयोटा का अगर आप बात करें तो उनका पूरा का पूरा फोकस इंजन पे होता है, उनकी गाड़ियाँ 5 लाख 10 लाख किलोमीटर तक चलती है बट कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस, बट दोनों जैपनीज कार है। ये वाली गाड़ी जो है ये कस्टमर को इतनी अच्छी लगती है कि वो कभी बेचना नहीं चाहते हैं, बट उनको था कि मेरे को और कम से कम 5 से 7 साल और यूज़ करना है, तो क्या कर सकते हैं, वो उनका बड़ा क्वेश्चन था। ऑटो राउंडर्स में आपको कुछ भी रेडीमेड नहीं मिलेगा, सो इफ दिस इज ऑलमोस्ट लाइक कि आप आपका घर कस्टमाइज करा रहे हैं, तो जब भी आप हमारे पास आएंगे तो आपको इतने सारे वैरायटीज मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ मटेरियल विच इज़ कॉम्पोजिट, देन देर इज आर्टिफिशियल लेदर, देन देर इज स्वेड मटेरियल, फिर जूट मटेरियल, जेन्युइन लेदर, उसमें भी हाई एंड नापा लेदर, इटालियन लेदर, ये सब वैरायटी हमारे पास फिजिकली अवेलेबल होते हैं। तो कस्टमर भी जब आते हैं तो एक्चुअली यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, ऐसा हो जाता है कि इतने सारे आपके पास चॉइस आते हैं कि वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। एट दी एंड दे ऑल्सो आस्क अस कि भाई आपका क्या रिकमेंडेशन है, सो बेस्ड ऑन द कस्टमर प्रोफाइल वो क्या करते हैं, उनका टेस्ट कैसा है, उसके हिसाब से हम हमारा सजेशन देते हैं। 95% ऑफ द टाइम्स वी आर राइट, कस्टमर उसी के हिसाब से जाता है। वैसे ही इस गाड़ी में भी हुआ है, ही वॉन्टेड लिटिल स्पोर्टी इंटीरियर, सो वी सजेस्टेड कैफे कलर लेदर विच ही लव्ड इट। और अभी आप देखेंगे वीडियो में तो गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर, इंक्लूडिंग एम्बियंट लाइट्स एंड एवरीथिंग, सो इट लुक्स लाइक कि गाड़ी अभी मित्सुबिशी ने लॉन्च की है, तो वैसा हमने इसमें काम किया। सो इस गाड़ी में एक चीज़ था कि कस्टमर ने कहा था कि मेरे को गाड़ी सेम तो बाहर से देखनी नहीं है, प्लस इसके लिए कोई बॉडी किट्स नहीं आती है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मित्सुबिशी गाड़ी के पार्ट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, जैसे इस गाड़ी में बम्पर, ग्रिल, हेडलाइट, ये सारे पार्ट्स रिप्लेस करने पड़े थे हमको, बिकॉज दे वर नॉट इन दैट कंडीशन कि हम इसको रिपेयर कर पाए, एंड ही वॉन्टेड लाइक अ शोरूम कंडीशन। तो हमने बोला कि फिर इसको रिप्लेस करेंगे, तो हमने ये सारे पार्ट्स सोर्स किए हैं और ये सब नए पार्ट्स है, कोई भी इसमें सेकेंड हैंड नहीं है, तो ये सारे पार्ट्स सोर्स करके हमने लगाए हैं। तो अगर आपको भी कभी ऐसा कुछ इंक्वायरी है इन टर्म्स ऑफ अ कार विच इज़ रेयर, डेफिनेटली एक बार आप पूछेगा। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि बॉडी किट्स तो है नहीं बट गाड़ी सेम नहीं लगनी चाहिए, तो वॉट इज़ द ऑप्शन? सो कलर चेंजिंग इज समथिंग विच इज़ अ वन वेरी गुड ऑप्शन, और वो कस्टमर ने कहा कि हाँ आप कलर इसका थोड़ा अलग दीजिए मेरे को, आई वॉन्ट समथिंग विच इज़ ब्राइटर साइड, तो हमने इसमें वॉल्वो पर्ल वाइट जो है वो सजेस्ट किया। सो इस वाली गाड़ी में तो हमने कलर पर्ल वाइट XC90 का किया है वॉल्वो का, इंटीरियर पूरा ब्लैक एंड टैन, इनफैक्ट इट्स अ कैफे कलर ऑफ लेदर, एंड वी 100% सर्टिफाइड इट्स अ जेन्युइन इटालियन लेदर, कस्टम है वो किया हुआ है पूरी गाड़ी अंदर बाहर से, ऑलमोस्ट लाइक कि अभी आउटलैंडर फिर से लॉन्च हुई है वैसा फीलिंग है। एंड आई होप आप सबको ये गाड़ी पसंद आए, हमारा काम पसंद आए, क्योंकि इस पर हमने बहुत मेहनत की है। नई गाड़ी पे तो सब जन काम कर लेते बट ऐसी 15-20 साल पुरानी गाड़ियों पे काम करना, उसको फिर से एकदम ब्रांड न्यू बनाना बहुत मेहनत लगता है गाइस। और अगर आपको ये काम कराना है ऐसा कुछ, तो नाउ वी हैव टोटल 4 वर्कशॉप, अंधेरी मरोल, देन मीरा भाईंदर गोड़बंदर रोड, हैदराबाद एंड पुणे, दीज आर द 4 वर्कशॉप, चारों के नंबर्स दिए हुए हैं, प्लस देर इज अ व्हाट्सएप नंबर 8425808080। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सम अमेजिंग वीडियो कमिंग सून। थैंक यू।